गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुकुलम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी उसके सेकंड लेक्शन की चर्चा कर रहे थे। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो ये तीन प्रकार, इसके जो फैक्टर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। देखो जन्म दर के बारे में आपको मैं बताती हूँ, जन्म दर क्या होता है या अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। देखो अशोधित जन्म दर को प्रति हज़ार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है, जन्म दर कहलाता है। मृत्यु दर क्या होता है, जन्म दिए गए बच्चों एक वर्ष में प्रति हज़ार जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर क्या होता है। देखो एक वर्ष में प्रति हज़ार जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या ऐसा कहा जाता है, मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अब इस टॉपिक का कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंजमेंट का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन, प्रवास क्या होता है। देखो प्रवास किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रवास देखो किसी व्यक्ति अथवा जनसमूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। या जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, या उसका आना जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जहाँ से आप चले हो या जिस क्षेत्र से चले हो वो क्या कहलाएगा, उद्गम स्थान। और इस उद्गम स्थान में क्या होगा कि कमी होगी, जनसंख्या की कमी होगी। जहाँ पहुँचे हो वो आपका गंतव्य स्थान कहलाएगा, और गंतव्य स्थान में जिस क्षेत्र में या जिस जगह पे आप गए हो उसमें वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि। प्रवास है वो दो प्रकार का होता है, वैसे तो एक तो स्थायी प्रवास होता है और दूसरा कौन सा होता है, अस्थायी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक मौसमी प्रवास भी लिखा है। ये देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है मौसमी प्रवास, मौसमी प्रवास में स्थाई में कि आप जिस स्थान से गए हो किसी कारण से या किसी मजबूरी में छोड़ के गए हो वो स्थाई प्रवास कहलाता है। और अस्थाई मजबूरी में नहीं, जैसे आप प्रतिदिन जाते हो, यहाँ की जलवायु अच्छी है, पानी भी समय पे मिल जाता है, जल की उपलब्धता, भूमि, प्रकृति, जो भी मिट्टी है वो सब कुछ अच्छा है यहाँ का, तो वो इसमें अस्थायी प्रवास आएगा। अस्थायी में कि आप सुबह गए शाम को वापस आ गए, महीने दो महीने के लिए गए, छः महीने के लिए गए, वो अस्थायी प्रवास। मतलब किसी जगह जैसे कि आप महेंद्रगढ़ से जाते हो, ठीक है, और कहाँ जाते हो नौकरी करने के लिए, गुड़गांव जाते हो, तो ये आपका अस्थायी प्रवास है, मतलब परमानेंट नहीं गए ना वहाँ पर उस क्षेत्र में, ठीक है। प्रवास दो प्रकार का होता है, एक तो स्थाई होता है और दूसरा अस्थाई। स्थाई प्रवास है वो दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य प्रवास होता है और दूसरा आंतरिक प्रवास होता है। बाह्य प्रवास भी दो प्रकार का होता है, एक आप्रवास होता है और दूसरा उत्प्रवास। तो आप्रवास में क्या होता है, देखो आप्रवास में क्या होगा, स्थाई वाली प्रक्रिया, और उत्प्रवास में अस्थाई वाली प्रक्रिया। स्थाई जैसे आप विदेश में जाकर बस जाते हो परमानेंट, तो ये आपका आप्रवास कहलाएगा। उत्प्रवास आप विदेश में कमाने के लिए गए लेकिन वापस अपने देश में आ गए, वो उत्प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास है वो भी दो प्रकार का होता है, एक अंतर्राज्यीय प्रवास होता है और दूसरा उत्प्रवास होता है। अंतर्राज्य एक राज्य की सीमाओं के अंदर होने वाला प्रवास। उत्प्रवास में क्या होगा कि किसी अन्य स्थान के किसी एक राज्य से अन्य राज्य की ओर प्रवास, मतलब एक देश की सीमाओं के अंदर होने वाला प्रवास उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक। प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक दो होते हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक होता है और एक प्रतिकर्ष कारक होता है और दूसरा अपकर्ष कारक होता है।
प्रतिकर्ष कारक नेगेटिव होता है और अपकर्ष कारक पॉजिटिव होता है। प्रतिकर्ष कारक में देखो क्या होता है, कुछ दशाएं होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो देखो। ये क्या है, पुश फैक्टर। ये क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव। देखो नेगेटिव ये क्यों होता है, देखो जब व्यक्ति मजबूरी में छोड़ता है, कोई मजबूरियां हो जाती हैं उसकी, जैसी बेरोजगारी है, रहने सहने की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव हैं, प्रतिकूल जलवायु है, मतलब अनुकूल जलवायु नहीं है, प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं जैसे बाढ़, भूकंप जैसी महामारी आ जाती है कोई, या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थल को कम आकर्षित करते हैं। उद्गम कि जिस स्थान पर आप रह रहे थे उसको क्या करते हैं, कम आकर्षित करते हैं। तो मजबूरी में छोड़े गए प्रवास को क्या कहा जाता है, प्रतिकर्ष कारक होता है ये प्रवास का, कि मजबूरी में छोड़ा गया प्रवास, इसीलिए इसको नेगेटिव बोला जाता है। नकारात्मक दशाएं होती है इसके अंदर, नेगेटिव कंडीशंस होती हैं। अपकर्ष कारक में क्या होता है, काम के बेहतर अवसर और जीने की दशाएं, मतलब एक तो होता है मजबूरी में छोड़ा गया, दूसरा होता है जानबूझ के छोड़ा गया, छोड़ी गई जगह, जैसे कि आपको दिल्ली में कोई कंडीशन ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, चंडीगढ़ में आ रही हैं या लंदन में आ रही हैं, दूसरे देश में, सिंगापुर में, जापान में, कहीं भी उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण, कहीं भी, कनाडा में आप जा सकते हो, तो आपका जानबूझ के छोड़ा गया प्रवास होता है वो, ठीक है। तो ये होता है अपकर्ष कारक, मतलब वहाँ की संपत्ति को देखकर, सुरक्षा को देखकर, जलवायु को देखकर कि वहाँ के अनुकूल जलवायु है, इस वजह से आप इसको छोड़ते हो, तो ये जानबूझ के छोड़ा गया प्रवास कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। अब अगला टॉपिक अपना आता है पॉपुलेशन ग्रोथ आती है, उसमें देखो मैं आपको समझाती हूँ जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि की दो प्रवृत्तियाँ होती हैं, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव, पहले ये देखो कि प्रवृत्ति क्या होती है। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में बसे हुए लोगों की जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि कहलाती है। परिवर्तन मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में या किसी निश्चित समय में बसे हुए लोगों की जनसंख्या परिवर्तन, अगर उसमें वृद्धि हुई है तो वो धनात्मक कहलाएगा, अगर उसमें वृद्धि नहीं हुई है तो ऋणात्मक कहलाएगा। वृद्धि क्यों हुई, कि उस क्षेत्र में लोग अनुकूल जलवायु के कारण आ गए, वहाँ पे रोजगार मिल जाता है, शिक्षा संबंधी सुविधाएं मिल जाती हैं, ये होता है धनात्मक में। तो ऋणात्मक में क्या होता है कि वही प्रतिकर्ष और अपकर्ष वाली बात आती है। अपकर्ष में क्या होता है कि अपन जानबूझ के उस जगह को छोड़ते हैं, प्रतिकर्ष कारक में मजबूरी में छोड़ा गया प्रवास होता है। तो ऐसे ही धनात्मक में क्या होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में बसे हुए लोगों की जनसंख्या परिवर्तन, मतलब उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ठीक है, ये होता है धनात्मक। ऋणात्मक में क्या होगा कि जब निश्चित दो समय अंतरालों के बीच हुई जनसंख्या की कमी को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। जैसे कि मैं 2001 से 11 के आंकड़ों का वर्णन करती हूँ, तो उसमें क्या हुआ, धनात्मक वृद्धि हुई है, ऋणात्मक। धनात्मक कि उस क्षेत्र में बसे लोगों की संख्या कितनी थी और कितने लोग प्रवासी आए। ऋणात्मक में उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या थी और कितने उस क्षेत्र से वहाँ से गए, वो ऋणात्मक कहलाता है। अब अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है जननांगीय संक्रमण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको मैं थोड़ा अलग से समझाऊंगी आपको। देखो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया गया है। देखो किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा भविष्य की
जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया जनांकीय संक्रमण कहलाती है। देखो मैं ये बताती हूँ आपको कि जनांकीय पूर्वानुमान पीछे का अनुमान और भविष्य का भी, कि इस क्षेत्र में आने वाले समय में कितनी वृद्धि, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन की या भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे समाज ग्रामीण है, खेतीहर है, या अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके वो किधर जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों की ओर या औद्योगिक ओर साक्षर बनता है। इस प्रकार से ये टॉपिक मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।